धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट का समापन हो गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समापन समारोह में शिरकत की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टर मीट में 93,000 करोड़ के MOU हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन MOU पर जल्द काम करने की बात कही है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन्वेस्टर्स को निवेश करने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि सर्वे में हिमाचल के कई क्षेत्र आगे हैं। गोवा का बीच अगर वहां की पहचान है तो यहां की पहाड़, वादियां और देवभूमि यहां की पहचान है। यहां की जनता आज मांग कर रही है कि हिमाचल की प्रगति चाहिए। सरकार इसी नक्शे कदम पर चल रही है और इन्वेस्टर यहां जरूर निवेश करेंगे। साथ ही उन्होंने हिमाचल से अपने संबंध को भी बताया और कहा कि उनकी दादी सुबातू की रहने वाली थी। महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की अगुवाई में अखाड़ा बाजार से लेकर DC ऑफिस तक रोष रैली निकाली गई। इस दौरान रजनी पाटिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर काला धन अभी तक वापस नहीं लाया। GST से व्यापारियों को परेशानी में डाला गया। देश और प्रदेश की जनता BJP से खफा हो चुकी है। इन्वेस्टर मीट के बहाने प्रदेश को बाहरी लोगों के हाथ बेचने का इंतजाम हो रहा है। इन्वेस्टर मीट से पहले धारा 118 में कुछ बदलाव की खबर है। जयराम सरकार में उद्योग मंत्री ने कहा है कि धारा 118 पुराने जमाने की बात है, हमने इस पर काम किया है और अब किसी निवेशक को इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। विपक्ष को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष आलोचना के लिए आलोचना ना करे, अगर उनके पास कोई सुझाव है तो वो सरकार को बताएं, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। इन्वेस्टर मीट में आए मेहमान लगातार HPCA स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को भी नीदरलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल HPCA में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने निवेश संबंधी विषयों पर चर्चा की। अनुराग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बड़ा रोजगार इन्वेस्टमेंट के रूप में हिमाचल के युवाओं को मिलेगा। बाहरी लोगों को नौकरियां देने के फैसले पर युवा कांग्रेस ने विरोध जताया है। जयराम सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए युवा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के कहने पर कमीशन के गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है। अब बाहरी लोगों को तरजीह दी जाएगी और हिमाचलियों की अनदेखी होगी। सरकार जल्द अपने फैसले को वापस ले, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। टांडा अस्पताल में भर्ती परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर की हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन उनकी तबियत कुछ हद तक ठीक है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर मीट की तैयारियों के बीच परिवहन मंत्री की तबियत बिगड़ गई थी और उन्हें टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं इस दौरान टांडा अस्पताल में कई खामियां भी देखने को मिली। खराब मौसम के कारण हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर जारी है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर के कई इलाकों में गुरुवार से बर्फबारी हो रही है। डलहौजी में 6 फीट बर्फबारी की खबर है, जबकि चूड़धार और किन्नौर में रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। कुल्लू के कई ऊपरी इलाकों में सड़क मार्ग बंद होने की भी खबर है। इन्वेस्टर मीट की ब्रांड एम्बेसडर और अभिनेत्री यामी गौतम ने माता ब्रजेश्वरी देवी के दर पर शीश नवाया। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि यामी गौतम हिमाचल से ही ताल्लुक रखती हैं। वहीं राज्य मंत्री प्रकाश चंद सारंगी ने कांगड़ा मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें कि इन्वेस्टर मीट के कारण धर्मशाला पहुंचे कई अतिथि आसपास के क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं। सिलाई के कफोटा इलाके में कार खाई में गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को पावटा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान सुरेंद्र के तौर पर हुई है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।